राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाद साहा। बहुत पुरानी बात है, कोलकाता यानी जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था, उसी कलकत्ता के एक गांव में सुबह-सुबह कुछ बच्चे खेल रहे थे। अब खेलते ही रहोगे? खेत पर नहीं चलना? अभी तो सूरज निकला ही है, अभी चलते हैं। अरे मेघनाथ कहाँ है? देख क्या, कहीं अकेले में खड़ा कुछ सोच रहा होगा। लो, वो सामने से आ रहा है। मेघनाथ दौड़ कर आ। आ रहा हूँ। लो आ गया। क्या कर रहा था वहाँ? आसमान को देख रहा था। अरे अकेला खड़ा क्या देख रहा था आसमान को? मुझे आसमान देखना, सूरज देखना, तारे देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये ऐसे ही आसमान निहारा करता है। आसमान में सूरज और तारों को निहारने वाला ये बच्चा मेघनाथ साहा आगे चलकर हमारे देश का महान वैज्ञानिक बना, जिसकी खोजों और प्रयोगों की पूरी दुनिया ने सराहना की। मेघनाद साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 को सियोरा ताली गांव में हुआ। ढाका जिले का सियोरा ताली गांव अब बांग्लादेश में है। मेघनाद साहा के पिता का नाम जगन्नाथ साहा तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता श्री जगन्नाथ साहा एक छोटे से दुकानदार थे, जो अपने बड़े परिवार का खर्चा मुश्किल से चला पाते थे। उनकी इच्छा थी कि प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेघनाद उनकी दुकान के काम में उनका हाथ बटाए, लेकिन मेघनाथ की इच्छा आगे पढ़ने की थी। वे बचपन से बहुत मेधावी थे और विज्ञान में उनकी विशेष रुचि थी। कक्षा में भी उनके प्रश्न अक्सर अध्यापकों को चकित कर देते थे। मास्टर जी, सूर्य के आसपास ये चक्र सा क्या होता है? सूर्य के आसपास चक्र? हाँ, होता तो है मेघनाद, ये तो रश्मि चक्र होता है। वो तो है, पर वो है क्या? वो है क्या ये तो नहीं मालूम। सचमुच ये तो सोचने और खोजने की बात है। जी हाँ, खोजने की बात है, मैं जरूर खोज करूंगा। शाबाश। बड़ा जिज्ञासु और होनहार है मेघनाथ, इसकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। पता नहीं इसके घर वाले इसे आगे पढ़ा सकेंगे या नहीं। मैं इसके घर वालों से बात करूंगा, मुझे इसके घर वालों से बात करनी ही चाहिए। हाँ, जरूर करूंगा। अध्यापक ने मेघनाद के भाई से इस बारे में बात की। मेघनाद का भाई पिता के पास गया और बोला, बाबा, मेघनाद पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो? ऐसा उसके अध्यापक भी कह रहे थे। अच्छा अच्छा। अध्यापक चाहते हैं कि वो आगे पढ़े,
हां बेटा, मेघनाथ होनहार तो है पर दुकान पर बैठेगा तो अच्छा रहेगा जी। और आगे पढ़ने के लिए तो उसे दूसरे गांव जाना होगा। तू घर की हालत तो जानता ही है, मेघनाथ को पढ़ाने के लिए खर्चा कहां से आएगा? बाबा, मैं डॉक्टर अनंत कुमार से बात करके देखता हूँ, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, व्यवहार के भी बहुत अच्छे हैं, नेक दिल इंसान है बाबा। अब चाहता तो मैं भी हूँ कि वो पढ़े, पर अच्छा डॉक्टर अनंत कुमार से बात करके देख लो। हाँ ठीक है बाबा, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। डॉक्टर अनंत कुमार दास एक संपन्न और प्रभावशाली डॉक्टर थे। डॉक्टर अनंत कुमार दास ने मेघनाद को आगे पढ़ने में मदद दी। मेघनाद ने दूसरे गांव के एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में दाखिला ले लिया। वे डॉक्टर अनंत कुमार के घर ही रहते थे। सप्ताह के अंत में मेघनाद पैदल अपने घर जाते थे। उनका गांव वहां से 7 किलोमीटर दूर था। अपनी लगन और कठिन परिश्रम से 8वीं कक्षा में मेघनाद साहा ने न केवल अपने स्कूल में सर्वाधिक नंबर प्राप्त किए बल्कि पूरे ढाका जिले में उन्होंने सर्वोच्च स्थान पाया। उनके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब मेघनाद साहा को छात्रवृत्ति मिलने लगी, साथ ही ढाका के राजकीय हाई स्कूल में प्रवेश मिल गया। उन्हीं दिनों पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की आग सुलग चुकी थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेघनाद भी उससे प्रभावित हुए। भारत माता की जय। उनके विद्यालय में बंगाल के गवर्नर सर फुलर मुआयना करने वाले थे। मेघनाद साहा ने अपने साथियों के साथ गवर्नर के आने पर हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। परिणाम ये हुआ कि मेघनाद की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई तथा साथियों के साथ मेघनाद को स्कूल से निकाल दिया गया। सरकारी स्कूल ने मेघनाद को निकाला पर तुरंत ही उन्हें एक प्राइवेट स्कूल किशोरीलाल जुबली स्कूल में प्रवेश मिल गया। साहा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में साहा ने पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गांव के इस बालक मेघनाथ साहा ने प्रगति और विकास की ओर एक बार जो कदम आगे बढ़ाया तो वो आगे ही बढ़ते गए, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंटरमीडिएट करने के बाद मेघनाद साहा ने आगे की स्नातक पढ़ाई के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां श्री जगदीश चंद्र बसु तथा प्रफुल्ल चंद्र राय सरीखे वैज्ञानिक उनके शिक्षक थे तथा सत्येंद्र नाथ बसु उनके सहपाठी थे। एक बार डॉक्टर बसु ने उनसे कहा, मेघनाद जी, गणित में तुम्हारी विशेष रुचि है, अच्छी बात है, पर विज्ञान के और भी क्षेत्र हैं, तुम भौतिक शास्त्र पर विशेष ध्यान दो। जी आप ठीक कहते हैं। तुम हमारे साथ प्रयोगशाला में आया करो। जी
ठीक है, आप ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। अब मेघनाथ साहा समय पाकर डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय तथा डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की प्रयोगशालाओं में पहुंच जाते। उनके निर्देशों को बहुत ध्यान से सुनते तथा कार्य करते और बीएससी करते हुए ही युवा मेघनाद का मन वैज्ञानिक खोजों में रमने लगा। आगे चलकर मेघनाद साहा ने अपने नए नए आविष्कारों से विज्ञान जगत को चकित कर दिया। एमएससी करने के बाद मेघनाद साहा का भारतीय वित्त विभाग यानी इंडियन फाइनेंस सर्विस में चयन तो हुआ, लेकिन साहा पर सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का साथ देने तथा अपने स्कूली जीवन में गवर्नर द्वारा स्कूल निरीक्षण किए जाने का विरोध करने के कारण उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली। साहा इससे निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने सहपाठी सत्येंद्रनाथ बसु से कहा, सत्येंद्र, अच्छा हुआ मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, अब मुझे प्रयोगशाला में नई नई खोजें करने का अवसर मिलेगा। और खर्चा? इसके लिए मैं सुबह शाम भौतिकी और गणित के ट्यूशंस करूंगा। अच्छा। हाँ, ऐसा ही करूंगा मैं। मेघनाद साहा दूर दराज के स्थानों पर साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाने लगे। कुछ ही समय बाद मेघनाद साहा अपने दोस्त सत्येंद्रनाथ बसु के साथ कलकत्ता के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस में प्रवक्ता नियुक्त किए गए। अपने अध्ययन काल में उन्हें एग्नेस क्लर्क की सुप्रसिद्ध पुस्तक तारा भौतिकी प्राप्त हुई, जिसने उन्हें नई दिशा दी। थर्मोडायनेमिक्स, रिलेटिविटी एंड एटॉमिक थ्योरीज उस समय की भौतिकी के नए विषय थे। मेघनाद इन विषयों का अध्ययन कर पढ़ाने लगे। इन विषयों पर नोट्स बनाने के दौरान मेघनाद साहा के सामने तारा भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स की एक समस्या आई। इस समस्या के समाधान में की गई खोजों ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। मेघनाद साहा की एक खोज आयोनाइजेशन फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला खगोल शास्त्रियों को सूर्य व अन्य तारों के आंतरिक तापमान तथा दबाव की जानकारी देने में सक्षम है। एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ने इस खोज को खगोल विज्ञान की 12वीं बड़ी खोज कहा है। सन 1920 में श्री साहा ने इंग्लैंड की यात्रा की, जहां वे अनेक वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा को और निखरने का अवसर मिला। सन 1921 में वे स्वदेश लौटे। मेघनाद साहा संभवतः पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें कम आयु में ही अपनी खोजों के लिए इतनी प्रसिद्धि मिल गई और वे रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। बाधाएं उनके रास्ते में आती रहती थीं। अपने देश के ही कुछ वैज्ञानिकों ने उनके फॉर्मूले के प्रति असहमति जताई और उनके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में पदभार संभालने में अड़चने डाली, लेकिन मेघनाद साहा इन बातों से विचलित नहीं हुए। 1923 में वे प्रयाग विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के अध्यक्ष बने। मेघनाद साहा को भौतिकी के अतिरिक्त एंशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, जीवशास्त्र तथा पुरातत्व विज्ञान ने आकर्षित किया।
उन्होंने रेडियो वेव्स फ्रॉम द सन एंड रेडियो एक्टिविटी पर खोज की। ₹35 का वर्ष डॉक्टर साहा के जीवन में विशेष महत्व का रहा। इस वर्ष इन्हें बहुत सी विदेश यात्राएं करने का अवसर मिला। जगत प्रसिद्ध कार्नेगी ट्रस्ट ने इन्हें अपना फेलो बना लिया। इस फेलोशिप ने रकम देकर उनकी विदेश यात्राओं की व्यवस्था की। इसी वर्ष कोपेनहेगन नामक शहर में अंतर्राष्ट्रीय ज्योति भौतिक विज्ञान कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहा को निमंत्रित किया गया। वहां बहस में साहा की विशेष भूमिका रही। इसके बाद अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इनके पास निमंत्रण आया। डॉक्टर साहा ने इसमें भारत के प्रमुख वैज्ञानिक तथा प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। डॉक्टर साहा के एक सिद्धांत ऊंचे तापमान पर तत्वों का व्यवहार की यूरोप के प्रमुख वैज्ञानिकों प्रोफेसर आइंस्टाइन, जर्मनी के वैज्ञानिक प्रोफेसर एम्डेन आदि ने संसार को एक विशेष देन कहा। मेघनाद साहा ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन के शोध ग्रंथों का अध्ययन करके उनका अनुवाद किया। उन्हीं के प्रयासों से पहली बार नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स को कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया। साहा नाभिकीय शक्ति के सकारात्मक उपयोग के जबरदस्त पक्षधर थे। उन्होंने 1950 में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने डॉक्टर साहा के लिए ट्रेवलिंग फेलोशिप का आयोजन किया। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान डॉक्टर साहा ने अपने अध्ययन और खोजों को जारी रखा। बर्लिन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री नंसर्ट से उनकी भेंट हुई। श्री नंसर्ट जो स्वयं थर्मोडायनेमिक्स के विद्वान थे, डॉक्टर साहा के आविष्कारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। ऐसे ही थे मेघनाद साहा। किसी भी विषय की चर्चा चलने पर तारीखें और घटनाएं बताकर सबको चकित कर देते थे। वो कहा करते थे कि सिर्फ समय काटने के लिए किसी विषय की पुस्तकें पढ़ना कोई अर्थ नहीं रखता। डॉक्टर साहा का प्रत्येक कार्य उनके शिष्यों और सहकर्मियों को प्रेरणा देने वाला होता था। डॉक्टर साहा वैज्ञानिक होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वो अपनी आर्थिक तंगी को भूले नहीं थे। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उन्होंने बंटवारे से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित करने में अपना योगदान दिया। डॉक्टर मेघनाद साहा ने अपने बचपन में बाढ़ की विभीषिका को देखा था, अतः उन्होंने बाढ़ के कारणों और रोकने का अध्ययन किया तथा अनेक नदी बांध परियोजनाओं तथा बिजली उत्पादन योजनाओं में सहयोगी बने। अपने अध्ययन काल में ही डॉक्टर साहा ने विज्ञान की पुस्तकों की कमी को बहुत महसूस किया। उन दिनों भारत में विज्ञान की पुस्तकों का अभाव था। पुस्तकें विदेश से मंगानी पड़ती थीं। इस कमी को डॉक्टर साहा की पुस्तकों ने काफी हद तक पूरा किया। उनकी पुस्तक थ्योरी ऑफ हीट और मॉडर्न फिजिक्स आदि को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉक्टर साहा की पुस्तकें भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने लगीं। डॉक्टर मेघनाद साहा के जीवन का एक पहलू ये भी है कि उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की। सबसे पहले प्रयाग में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज संस्था की स्थापना की। तत्पश्चात अपने प्रयासों से इंडियन फिजिकल सोसाइटी तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया नामक संस्थाओं की नींव रखी। इंडियन फिजिकल सोसाइटी को विकसित करने में डॉक्टर साहा ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
1951 में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स नामक संस्था का जन्म हुआ। अपने प्रयत्नों से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की स्थापना की। 1953 में वे इंडियन साइंस एसोसिएशन के निदेशक नियुक्त किए गए। विज्ञान संबंधी बातों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने साइंस एंड कल्चर नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। वैज्ञानिक होने के साथ साथ डॉक्टर साहा आम जनता में भी लोकप्रिय थे। वो भारत की पहली लोकसभा के चुनाव में कलकत्ता से भारी बहुमत से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत कर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ नेशनल प्लानिंग कमेटी में यानी राष्ट्रीय योजना समिति में कार्य किया। फरवरी 1956 को ये महान वैज्ञानिक योजना आयोग की एक बैठक में भाग लेने राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे थे कि अचानक गिर पड़े और हृदय गति रुक जाने से संसार से विदा हो गए। लगन और मेहनत मानव को उन्नति के शिखर पर पहुंचाती है, इसमें संदेह नहीं। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के कारण छोटे से गांव के तथा साधारण परिवार के मेघनाथ साहा एक के बाद एक उन्नति और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए और भारत के महान वैज्ञानिक बने। कोई भी उन्नति की ऊंचाइयों को छू सकता है, आवश्यकता है परिश्रम, कर्मठता और दृढ़ निश्चय की। और डॉक्टर मेघनाथ साहा का जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार, कार्यक्रम परामर्श प्रभुदयाल खट्टर, आलेख विमला रस्तोगी, कलाकार नीरज शर्मा, राजश्री त्रिवेदी, सतीश कक्कड़, प्रवीण शर्मा, राजेश आहूजा, आकाश सुरम्या और दीपांश, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।